दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 क्षेत्रमिति 12.1 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सभी दोस्त आप सब वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 cm 6 cm है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, पहला मान लीजिए वृत्त आपका ये हो गया, दूसरा हो गया ये आपका दोस्तों, और कह रहा है दोस्तों कि इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा सा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हम बैक टू बैक यहाँ से मान सकते हैं आर वन बराबर कितना हो जाएगा 8 cm, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आर टू कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 6 cm, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ से बड़ा आर मान सकते हैं दोस्तों इज इक्वल टू वाट, यही तो मान निकालना है आपको, ठीक है ना। इस जो है आप लिखेंगे पहले हाल में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, आर वन का मान क्या दिया है 8 cm, ओके। आर टू का मान क्या दिया दोस्तों 6 cm। नोट करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम निकालें दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर वन मान सकते हैं। अब देखिए पाई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, आप लिखेंगे यहाँ से 64 पाई, ठीक है। चलिए अभी पहला हो गया दोस्तों, अब लिखेंगे दूसरा, अब लिखेंगे आप दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, नोट्स करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ टू लिखेंगे, ठीक है। चलिए पाई का मान पाई बैठाएंगे दोस्तों, और आर टू का मान क्या दिया है 6 दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आर टू का मान दिया है 6, तो हो जाएगा दोस्तों गुणे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ यहाँ से हो जाएगा आपका 36 पाई, ओके। चलिए इसको नोट कर लिए दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, यानी हो जाएगा दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल, नोट्स कतरेगा, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नए वालों को मान सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर, बड़ा मान सकते हैं दोस्तों बराबर। देखिए पहला कितना आया था, जी दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल आया था कितना 64 पाई, ठीक है ना। चलिए प्लस दूसरे का आया था दोस्तों क्या 36 पाई, ओके। यहाँ पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए 64 पाई और 36 पाई क्या होगा दोस्तों 100 पाई, ठीक है। अब देखिए पाई पाई खत्म हो जाए दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर 100 दिया है दोस्तों, तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100, 100 का रूट क्या होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या कितना आया 10 cm आ गया दोस्तों, ठीक है ना। नए वाले वृत्त का जो त्रिज्या है आ गया कितना 10 cm, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।